जी मैं ऐसा कुछ नहीं खाता। बर्तन Assalamualaikum beautiful people, this is me Aisha Rizwan from Aisha Does Her Beauty. Welcome back to my channel. If you have not subscribed my channel, so please subscribe it right now and click the bell icon for more exciting videos. जैसा कि आपने देखा मेरे पिछले व्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं रो रही थी और हालत अभी भी मैं थोड़ी वीकनेस बहुत ज़्यादा हुई हुई है। वैसे बेहतर हो चुकी हूँ शुक्र है अल्लाह का। बुखार जो वो बार बार चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था और बहुत तेज़ चढ़ रहा था, मतलब कांप कांप के यूँ के जैसे पूरा जिसम ऐसे किसी ने डंडों के साथ ना मार कुटाई की हो मेरी ऐसा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ अल्लाह का शुक्र है। इन्फेक्शन हुआ था गले का और मैंने फिर मेडिसिन ली, इंजेक्शन भी लगाए मुझे इन्फेक्शन के लिए और अभी मैं मेडिसिन स्टिल खा रही हूँ। लेकिन क्या है कि ये हमारी जॉब है, आपके साथ एक्टिव रहना। यूट्यूब एक काम है, एक प्रॉपर जॉब है। जो लोग समझते हैं, जो यूट्यूब को जानते हैं, उनको पता होगा कि हम छुट्टी नहीं कर सकते, चाहे जो भी हो जाए, इधर से उधर होता रहे, हमें यहाँ पे आना है, हमें आपको कंटेंट देना है, आपको दिखाना है और अपना काम करना है। तो आज एक और व्लॉग के साथ आ गई हूँ। आज हमारी एक दावत है, मेरी आपी ने एक दावत रखी है, मतलब मेरे हस्बैंड की सिस्टर है, उन्होंने दावत रखी है और हम जाएंगे उनके पास दावत खाने। और कहीं दूर नहीं जाना, मैं आपको दिखाऊंगी कितनी दूर है, मैं वहाँ जा रही हूँ। जो लोग जानते होंगे ऑलरेडी उनको पता होगा, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बिल्कुल ही होगा कि पता नहीं कहाँ जा रही है आज। तो आपको दिखाएंगे क्या क्या बना रही हैं। भाजी खुशबू है, मुझे अभी से आनी शुरू हो गई है क्योंकि बहुत दूर नहीं है। और चलें आपके साथ शेयर करेंगे सारा कुछ, क्या बनाया क्या खाया। जी साड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है दावत दी और अभी हम बिरयानी के लिए प्याज को चॉप कर रहे हैं। अभी मटन की जो है वो तैयारी हो रही है, ठीक है ना। अभी मटन बन रहा है, प्याज हमने चॉप कर लिया है, इसमें डलेगा मक्खन, इसको सोते करना हमने बस। चले हम दिखाएंगे ये जब बन जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे रेसिपी, हम आपको साथ साथ बता देंगे। मक्खन डाल रही है भाजी, मक्खन में ये बनेगी। ये मक्खन में क्या चिकन उसका मटन का क्या बना रही है, मटन कढ़ाई के कोरमा क्या बना रही है मटन में, मखनी कढ़ाई बन रही है। वेल लो सी आज मखनी कढ़ाई खानी है, सी और बड़ा कुछ खाना है। साढ़े नाल रहा जे तुम दिखाते रहोगे सोते करके। इसको थोड़ा सा हम सोते करेंगे फिर इसको हम निकाल देंगे। और बहुत मज़े की ये रेसिपीज होती हैं बाजी की, ये अब निकाल रहे हैं फ्राई में से। अब आप इसमें ऑयल डालने लगी हैं। हाँ इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी। ये जी थोड़ा सा ऑयल हमने कुकिंग ऑयल है ये डाल रहे हैं, तीन से चार चम्मच इसमें डाल देंगे। 2 किलो के करीब मटन है और इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे इसी तरह। ये देखें जैसे मैं बना के रखती हूँ ना बाजी की भी यहाँ पर पेस्ट बनी हुई है, पेस्ट डालनी है। भुना हुआ ज़ीरा थोड़ा सा ऐड करने लगे हैं, हसबे ज़रूरत आप डाल सकते हैं जिनको ज़्यादा पसंद हो, वैसे 1 चम्मच डाला भाजी में। और इसमें दालचीनी की एक बहुत डाली है डंडी पीस भाई, मेरा पंजाबी थोड़ा जहा स्टाइल। और बड़ी इलायची डाल दूंगी मैं। हाँ जी ये एक बड़ी इलायची चली गई है, दो जाएंगी। चलो ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से आप अपना रदो बदल कर सकते हैं, गोश्त की जितना आपकी पास क्वांटिटी हो। 3-4 लौंग डाल दी है, ये 3-4 लौंग डाल दिए हैं। अब इसमें जी गोश्त जा रहा है, ये ले जी गोश्त चला गया माशाल्लाह। देख ले जी इतनी सी हमने इसमें ब्लैक पेपर जो ऐड कर दी है, 1 डेढ़ टी स्पून डालिए बस। तब तक ये अब हम इसको ढाम के रख देंगे यूं ताकि गोश्त का पानी छोड़ दे। हाँ जी गोश्त का पानी जो है वो छूट जाए और इसके अंदर ये पक जाए। अब फिर जब ये थोड़ा पक जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए अभी हम ना जो हमने अभी गोश्त ढाम के रख दिया ना, इसके लिए अभी हम क्या बना रहे हैं, प्यूरी बना रहे हैं। हाँ टमाटर की, ये देखो जी लाल लाल टमाटर कितने सोने लाल रंग वाले, वाह क्या खूबसूरत कलर आया। हम प्यूरी बना लेंगे, ये बॉयल हो जाएंगे, इसका छिलका उतार के इसको फिर ग्राइंड कर लेंगे।
अच्छा, इसको भी हम बॉयल कर लेंगे, ढकना रखना है इसके ऊपर भी। अच्छा, इधर ये हमारा फ्राई हो रहा है गोश्त, और इधर इसकी प्यूरी बन रही है। ये उबल जाएंगे, छिलका उतारेंगे और इसको फिर हम ग्राइंड करेंगे। गरम पानी किया है और इलेक्ट्रिक केटल है तो ठीक है, नहीं तो चूल्हा साइड पे रखो, सॉस पैन पे उबाल लो, तो एक कप गरम पानी बेच पाओ, डेढ़ दो कप। ठीक भाई, हमारे पास इलेक्ट्रिक केटल में हमने गरम किया है, आपके पास नहीं है उसका मतबादल ले लें। सॉस पैन होएगा घर, उधर बॉयल कर लेना। अब ये बिरयानी का मसाला बन रहा है यहाँ पे। लहसुन अदरक की पेस्ट, साबुत मसाले डाले हैं, जायफल जावित्री छोटी इलायची है, और ये दड़ा मिर्चें हैं, ये सारी दड़ा मिर्च डाल दी है। और ये मैं चिकन को मैरिनेट करके रख दूंगी बिरयानी के लिए, इसी में दही में, इसी में हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट आज कर रहे हैं कि इसमें हम मैरिनेट पहले कर लेंगे चिकन। ये देखिए हमारा शहजादा क्या कर रहा है, ये फ्रूट सेट कर रहा है, मम्मा का हेल्पर। मैं मोमिन हूँ। ये मोमिन नहीं है, ये हाशिम है, हाशिम वली खान। कैसे कर रहा है सेटिंग? लो सी पांडा चेंज कर लिया भाई, बर्तन चेंज हो गया, वो छोटा था क्योंकि खुला बर्तन होगा तब ज़्यादा अच्छे से मैरिनेशन हो जाएगी। यार सेटिंग हो रही है आज, कुशन ना ही सेट सही नहीं होने, ऐसे करते हैं सही तरह कर। कुशन सेट हो रहे हैं जनाब, ये ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे। मम्मा ऐसे रखती हैं, ऐसे गलत है। एट लीस्ट मम्मा काम आई, मम्मा ने बताया कि ऐसे सेट होने, नवा नवा मुंडा काम कर रहे हैं। पुराना रखा हुआ मुंडा सी, लैके आए सी काम वास्ते। ने कितना अच्छा उसको काट के दिया एप्पल, जैसे वीडियो में होता है। इसका कोई कमाल नहीं, मैंने ही किया है ना। हमारा स्टीम रोस्ट है, उसका जो है मसाला, उसकी जो स्टार्टिंग है ना वो शुरू होने वाली है। वो पानी था और बाद में बाजी ने सिरका ऐड किया, उतना ही सिरका और उतना ही पानी, यानी एक कप अगर पानी है तो एक कप सिरका और नमक ज्यादा सा डाल के रख देते हैं। ये देखें अब काफी ज्यादा नमक जो है बाजी ने इसमें ऐड कर दिया है, और वो अब थोड़ा सा इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। कट लगा लिया हमें बाजी ने, भी लगाने लगी अच्छा। और नमक है इसको इस तरह, ये जो हमने सोते किए थे ना मक्खन में, प्याज लहसुन अदरक, ये लहसुन अदरक नहीं था मेरे ख्याल, प्याज ही था, प्याज वो हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए हमारा मटन काफी हद तक वो ब्राउन हो गया है, तो उसका कलर चेंज हो गया हुआ है। ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जैसे ये हो जाएगा इसको हम ग्राइंड करेंगे और फिर डालेंगे इसमें। सूखा धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च, तंदूरी मसाला है, वाइट पेपर, जीरा और सूख मिर्च, इन सबको मिक्स कर लिया, थोड़ा सा फूड कलर डाल दें येलो कलर। ठीक है, ये सारे स्पाइसेस आपने सुन लिए हैं, तो हमने सबको मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हमने ये एंड पे लगाना है जो उसको निचोड़ के, इस वाले पानी को निचोड़ के सारा। हाँ, और ये जो कट लगे हुए इस पर हमने सब मसाला ये जो लगा देना है। ठीक है, और लगा के फिर एक घंटे के बाद लगाएंगे। थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया जी, जर्दा रंग। चिकन को हमने निचोड़ लेना इस तरह से, ड्राई हो जाएगा, फिर इसके ऊपर वो जो मसाले बनाने बताए थे ना आपको, इकट्ठे मसाले मिक्स कर लेने हैं। हमारी बिरयानी तैयार, बिरयानी का मसाला रेडी हो रहा है, इसमें हम टमाटर डाल दिए, प्याज थोड़े से सोते किए, फिर उसके बाद टमाटर डाल दिए, प्याज का जो चॉप किया हुआ था उसको सोते करने के बाद इसमें हमने टमाटर डायरेक्ट डाल दिए हैं। चिकन हमारा ड्राई हो चुका है और इस पर हम अब मसाले लगाने लगे हैं, बाजी जो है वो मसाला लगाएंगे। आप थोड़ा टेस्ट कर लें, तो टेस्ट करके आपको अगर कोई ना कमी बेशी लगे ना स्पाइसेस की, तो आप अपनी मर्जी से अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और बाकी स्पाइसेस जो हैं वो आप डाल सकते हैं। बाजी को लगे थोड़ा नमक कम है, हम जितना खाते हैं उसके हिसाब से थोड़ी सी मिर्च कम है, वो हमने और ऐड कर दी है,
और थोड़ा सा हरा धनिया सूखा डाला था, और अब हम ये इस तरह से जो है ना लगा देंगे, स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर पूरा। इसका कलर काफी अच्छा आ गया है, जितना मर्जी आप मसाले, क्योंकि अगर आपने फ्रेश बनाने हैं तो फिर आप जितना मर्जी मसाला डाल सकते हैं। अगर आपने थोड़ा रखना है इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं महीना दो महीना आराम से, और इसको फिर आप अपनी मर्जी जब कोई मेहमान आए एक घंटा पहले निकाल के तो इसको आप स्टीम कर सकते हैं। डालने वाले हैं और फिर रख देंगे, गेस्ट हमारे शाम को आएंगे तो इस वजह से हम अभी इसको एक घंटा पहले निकालेंगे और स्टीम में रख देंगे। स्टीम भी वो देगची में ही करते हैं, वो भी हम आपको दिखा देंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है स्टीम का भी। सारा डाल दिया जो बिरयानी बना रही हम लोग, घरेलू बिरयानी, ये हमारी घरेलू बिरयानी है जो सारा मसाला बाजी ने मैरिनेशन की थी ना वो सारा डाल दिया। लेकिन ये बिल्कुल देगी बिरयानी बनेगी, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे आप खाते हैं देगी बिरयानी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत अच्छी बनेगी। अब मैंने इसमें सारी स्पाइस बना दी और फिर मैं ढकना रखी ताकि ये पक जाए, थोड़ा पक जाए, बिरयानी मसाला बाद में ऐड करेंगे ना। क्या कर रही हैं आप? ये मैं बिरयानी में जब चावल मिक्स करूँगी ना इसमें सारा कोरमा, तो ये इसके साथ ऐड करूँगी, स्पाइसी सी बिरयानी बनेगी और आप सब लोग को पता चल जाएगा कि कितनी स्पाइसी है वो हम सी सी करेंगे, हमारी सी सी से सबको पता चल जाएगा कितनी मिर्ची है। अभी डाल दें टमाटर, इसका एक आप पेस्ट डालते हैं वो लहदा चीज़ होती है, ये जो बॉयल करके आप डालते हैं इसका टेस्ट अलग आएगा खाने में। हाँ, टमाटर का जो जायका है ना वो चेंज हो जाता है। हाँ, अभी जब ये अपना घी छोड़ देगा तो हम एंड में इसमें हरी मिर्च तो नहीं डालते, बस इसमें लेमन डाल देंगे थोड़ा सा और ब्लैक पेपर छेड़ देंगे, बस ये इसमें हो जाएगा। वो इसमें अभी दो चम्मच डाला है बिरयानी मसाला नेशनल वालों का ना, नेशनल वालों का दो चम्मच ही खाली बिरयानी मसाला डाला है। देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है, लेमन भी डाले आपने? लेमन भी डाला है, छोटी इलायची, लेमन, जिंजर, चिली, लेमन, छोटी इलायची, और ये अब अभी आलू बुखारा और ये हरी मिर्च जा रही है जी, ये डाल दी बस, अब इसको मैं बंद कर दूंगी। ठीक, अब इसको हम बंद कर देंगे। हरी मिर्च डाल दी, आलू बुखारा डाल दिया, छोटी इलायची डाल दी है, लेमन डाल दिया, पाँच छह पत्ते में पुदीने के डाल, पाँच छह पत्ते जी पुदीने के डाल दें आप, इतना सब खुशबू अच्छी करने के लिए होता है। और जो है मक्खनी वो तैयार हो चुका है, इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना, क्या स्वाद भी लग रहा है, ब्लैक पेपर डाल देंगे और हरा धनिया ऊपर मैरिनेशन करके डाल देंगे। ठीक है, देख लो जी, ये मिक्स कर दें, अब इसमें हम ये कॉकटेल मिक्स कर देंगे साथ जी। अभी हमारा क्या बन क्या रहा है, ये फ्रूट का कॉकटेल बना रही, फ्रूट कॉकटेल बन रहा है, और इसमें अब ये डाले हैं बाजी ने, ये मैंने फ्रूट कॉकटेल डाले हैं, ये हमारा क्रीम सैलेड होगा। और इसके अलग से जो क्रीम रेडी की, क्रीम क्या इसका जो भी, हाँ वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो भी होता है। इसमें हमने ऑलमोस्ट तीन डाले ना डिब्बे के वाले, एक हमने पहले डाल दिया था, दो अब डाल रहे हैं कॉकटेल के, ये फ्रूट कॉकटेल के तीसरा भी इसका मिक्स, कोई भी, आप कोई भी फ्लेवर पसंद है, हाँ अपनी चॉइस, आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मिक्स करके अब मैंने इसमें ये डाला है दही, एक पाव दही डाला है, एक कप दही है, एक कप दही है, आधा कप ये मेयोनीज डाल दी है, थोड़ा सा दूध और ये काली मिर्च डाल दी है, और एक चम्मच चीनी डाली है, दूध काली मिर्च और एक चम्मच चीनी, ये चीनी थोड़ी सी इसमें डालूंगी। एक क्रीम ऐड करने लगे ऑलपर्स की, ऑलपर्स की क्रीम है वो मैं ऐड करूंगी इसमें, इसके अंदर डालेंगे हम, पहले इसका मिक्सचर बना लेंगे। हाँ। ना चीज़ों का आपका हाथ आ सकता है, चलेंगे इस तरह से, ये क्रीम का एक जो पैक है वो चला गया है, ये एक पैक इसमें जा रहा है जी क्रीम का। अब हमने इसकी मिर्च कट के पहले चंगी तरह कट लेना, पैसे खर्चे हुए ने नहीं नहीं एक्चुअली मैं कोनों में घुसी हुई है तो मैं इनको निकाल रही हूँ। हाँ, कोनों कुदरों से हमने निकाल के बाहर निकाल लिए, देख लो क्योंकि इसको पता है कि इन्होंने जोर लगाना है तो हाँ मेरे ना जोर आजमाई होनी है। ये लो जी, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद हम इसको फ्रीज कर लेंगे, मतलब फ्रीजर में रख दें फ्रिज में, ताकि ठंडा हो, जितना ठंडा होगा उतना ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा,
ये भी सही है, इसका ये जूस भी डाल दिया साथ मैंने ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए। उतना ही इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको फ्रिज में रखने जा रहे हैं और बाकी फिर हम आपको बाद में दिखाते हैं कि हमारा बाकी का खाना कितना रेडी हुआ है। ये बटर पहले डाला, फिर मशरूम डाला और अब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन सिर्फ लहसुन है लेकिन चलो कोई नहीं, बनाना पड़ा होता तो हम इसलिए हाँ, लेकिन लहसुन फिर भी ज्यादा ही डाला होता उसमें, अदरक कम डाला होता। क्या डालना है इसमें? दूध डाला है, क्रीम डाली है, व्हाइट सॉस पास्ता है ना ये। हाँ, और ये क्या डाला है ऊपर? आप ओरिगैनो? ओरिगैनो डाला है, पत्तियां होती है ना ये ओरिगैनो। ओरिगैनो लीव के अलावा होता है। हाँ, लीव का होता है। बाबा शूट करा के ना नेल पेंट है। बाबा क्वांटिटी इन्होंने कम कर दी है, देखते ही मुझे पता चल गया। पास्ता इसमें डाल दिया है, ये सॉस जो हमने बनाई है व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस में ना क्रीम और दूध जो है वो क्वांटिटी हम नहीं कर सके शूट, किसी भूल गए थे लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटी दूध की हो जानी चाहिए। रामा तकरीबन कप ऑल पर का एक क्रीम का डब्बा गया और दूध एक कप होगा। पूरा कितनी केजी का था? 1 केजी का पूरा दूध का डिब्बा गया है इसमें ऑलपर का, और एक क्रीम का पैक गया है पूरा ऑलपर का, उसका क्रीम का ऑलपर की क्रीम। ये टिक्का चिकन टिक्का चंक्स है, चिकन चंक्स हैं ये। कैनन्स के सारे ब्रांड्स के होते हैं। हाँ, तो टाइम नहीं था तो हमने फटाफट इसी में फिर कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा सोते ही कर रहे हैं, फ्राई तो नहीं कर रहे है ना। हाँ, ऑलरेडी कुक्ड है ये, तो बस सोते करके अब हम इसमें फिर मिक्सिंग कर देंगे। टाइम बचाने के चक्कर में थे हम। नमक ज्यादा ये बाद में गार्निशिंग करनी है। कौन सी चीज है ये? मसाला देखिए जी, हमारा स्टीम रोस्ट है और फाइनल हो चुका है। इसका हमने क्या किया था वो हमने थोड़ा स्किप कर दिया कि इसको रखा कैसे था। इसमें वही 2 चम्मच ऑयल और बस ये बोटियां लगी है। चिकन ने अपना खुद पानी छोड़ा हुआ और इसको ये ड्राई आंच पे बहुत हल्की आंच पे रख के इसको ढक के रख देना है और ये खुद ही इस तरह से इसका निकाल देना। 30 मिनट रखना है, उसके बाद जब देखना पानी ज्यादा होगा तो ये चिकन क्योंकि जल्दी गल जाती है तो इसलिए फिर इसकी ना फ्लेम ज्यादा तेज कर लेना ताकि ये पानी खुश्क हो जाए। और आपका ये मसाला इसी तरह लगा रहेगा, ऊपर आप लीम छिड़क सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। या पानी ड्राई करने के लिए बस रखा हुआ पानी, वैसे चिकन गल गया हुआ है, मसाला गल गया हुआ है। हमारा मटन, ये हमारा मटन तो रेडी हो चुका है। कुछ हम डिश आउट करेंगे फिर आपको दिखाएंगे, डिश आउट करेंगे फिर दिखाएंगे सब। बर्तन यहाँ रखे हुए हैं, बर्तन भी उधर रखे हैं। ये रेसिपी जो सीख के है वो आ जाओ मेरा सीओ। आओ तुम्हें चम्मच बनाए जी।
याद है तो लाओ।